नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बासंती नवरात्रि व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की पूरे प्रदेश वासियों को दी बधाई व शुभकामना। कहा, भगवान राम के जन्मोत्सव पर पूरे देश में आयोजित हो रहे कार्यक्रम सभी लोग कर रहे हैं प्रतिभाग। सीएम योगी ने कन्या पूजन कर की मातृशक्ति की आराधना। वासंतिक नवरात्रि की नवमी तिथि को नौ दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं को मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से भोजन परोसकर कन्याओं व बटुकों से करते रहे निरंतर स्नेहिल संवाद। सीएम योगी के जनता दर्शन में पहुंचे 500 से अधिक फरियादी। योगी ने एक एक की सुनी पीड़ा। कहा, किसी के भी इलाज में नहीं होगी पैसे की बाधा। अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी प्रार्थना पत्रों पर हो त्वरित कार्रवाई। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का सीएम योगी ने जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया शुभारंभ। कहा, हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। सभी लोगों को बिना भेदभाव चिकित्सा सेवा का लाभ पहुंचाना है आरोग्य मेले का उद्देश्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सोहर गीत के बीच प्रभु श्री राम के बाल रूप को झुलाया पालने में। कहा, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हमें उनके आदर्शों व मानवीय चरित्र से जुड़ने और बिना भेदभाव मानवीय गरिमा सुरक्षा व सम्मान के कार्य को करने की प्रदान करता है प्रेरणा। श्री हनुमान मंदिर पुराना गोरखपुर के महंत प्रेमदास जी हुए ब्रह्मलीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना। चुनाव बीतने के साथ ही गोरखपुर में विकास कार्यों पर निगरानी हुई सख्त। पहल कौन करे वेबसाइट पर लोग बता सकते हैं संबंधित अधिकारी को अपनी समस्या। समस्या का किया जाएगा निस्तारण। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने उसके महिला साथी के साथ किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। चौदह अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम के जन जागरूकता के लिए निकाला गया मोटरसाइकिल रैली। लोगों से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल होने की गई अपील। दाऊदपुर स्थित काली मंदिर पर रामनवमी का मनाया गया त्योहार। मुख्य पुजारी ने कहा, बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं श्री राम के जन्मोत्सव का त्योहार। और चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि पर रामनवमी के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया विशाल भंडारा। हजारों लोगों को कराया गया भोजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि चैत्र नवरात्र की नवमी की सभी प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामना देता हूं। आदिशक्ति मां भगवती के विशेष अनुष्ठान का आयोजन बासंती नवरात्रि के रूप में सनातन धर्म के द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर परंपरागत रूप से नौ दिनों तक आदिशक्ति मां भगवती, जो कि इस जगत की आदिशक्ति माता हैं, अनुष्ठान पूजन के उपरांत मां के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर में संपन्न हुआ है। भारत की परंपरा में मातृशक्ति का सदैव उच्च स्थान रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वह बसंती नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, दोनों अवसरों पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर पूरे देशवासियों को प्राप्त होता आ रहा है। और इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम का समापन होगा तथा आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे समाज को आदर्शों के साथ जोड़ने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री
राम के पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश का दुनिया में मनाया जा रहा है तथा अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम चल रहा है और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यह आयोजन हो रहा है उसके साथ श्रद्धालु जन बहुत उत्साह के साथ भगवान राम के प्रति अपने आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। इसीलिए बसंती नवरात्रि व रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मित्रों आज बसंती नवरात्रि की नवमी तिथि है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम नौ तिथियों में आदिशक्ति माँ भगवती की विशेष अनुष्ठान आयोजन वासंती नवरात्रि के रूप में सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर परंपरागत रूप से नौ दिनों तक आदिशक्ति माँ भगवती जो इस चराचर जगत की आदिशक्ति है के अनुष्ठान पूजन के उपरांत मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की परंपरा में मातृशक्ति का सदैव सर्वोपरि स्थान रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वह वासंती नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि दोनों अवसरों का इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य पूरे देशवासियों को प्राप्त होता है। आज नवमी की स्थिति पर कुमारी कन्याओं की पूजन का नौ दुर्गा स्वरूप नौ कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है और इसके साथ ही नवरात्रि वासंती नवरात्रि का एक कार्यक्रम संपन्न होगा। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि भी है। पूरे समाज को मर्यादा के मार्ग पर लेकर के मानवीय जीवन मूल्यों को कुछ आदर्शों के साथ जोड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी या भारत के अंदर जन्मे भी उपासना विधियों के अनुयायी निवास करते हैं उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या धाम में विशेष आयोजन चल रहे हैं और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यह आयोजन हो रहा है उसके साथ श्रद्धालु जन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं वासंती नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि नवरात्रि के अवसर पर आज नौवीं तिथि पर हमने देवी स्वरूपा जिन कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हैं उन्हें सुरक्षित रखने अच्छा माहौल देने और उनके लिए शासन के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनके उन्नयन के लिए उनके बेहतर भविष्य के लिए
लागू की गई है, उन सबको पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या फिर मिशन शक्ति के माध्यम से पूरी मातृशक्ति की सुरक्षा सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं के साथ जोड़ करके हम इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस श्रद्धा भावना के साथ हम सब इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, उसी श्रद्धा भावना के साथ हम लोग मातृशक्ति की सुरक्षा उनके सम्मान और स्वावलंबन के कार्यक्रम को अपने दैनिक जीवन में भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम इस नवमी तिथि के अवसर पर अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अंदर और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन आदर्शों का जो मानवीय चरित्र को कुछ आदर्शों के साथ जोड़ दे कि सदैव प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके मानवीय गरिमा उसकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए निरंतर कार्य करेंगे। एक भेदभाव रही, सबको न्याय सबको सम्मान के भाव के साथ आज केंद्र और प्रदेश सरकार जिस विश्वास के साथ राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य कर रही है, उस के साथ प्रत्येक नागरिक जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं वासंत नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर फिर से प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मातृशक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि पर रविवार को गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। नवमी तिथि के अनुष्ठान की कड़ी में गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र भंडारा भवन में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में योगी ने नव दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पाँव को पखारा, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी उढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि के अनुष्ठान में सीएम योगी ने सबसे पहले कुंवारी कन्याओं के पांव को पखारा, उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत आदि का तिलक लगाया, चुनरी उढ़ाकर उपहार एवं दक्षिणा प्रदान किया और आशीर्वाद लिया। उन्होंने सभी कुंवारी कन्याओं व बटुकों से श्रद्धा भाव से आरती भी उतारी। पूजन के बाद इन कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद में योगी ने अपने हाथों से परोसा। कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंचे बटुकों को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दिया गया। कन्या पूजन के अनुष्ठान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं व बटुकों से निरंतर स्नेहिल संवाद भी करते रहे। यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी कन्या या बटुक की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वह मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। भोजन के बाद मुख्यमंत्री ने सभी कन्याओं को अपने हाथ से उपहार और दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा किया, जिस पर मुख्यमंत्री का प्यार और दुलार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। वहीं कुछ बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने फोटो भी खिंचवाया। पूजन के दौरान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, मंदिर सचिव द्वारिका तिवारी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, दुर्गेश बजाज, अमित सिंह, मोनू, विनय गौतम आदि मौजूद रहे। सीएम योगी ने इसके पूर्व प्रातःकाल के पूजन में सत्र में मंदिर के शक्तिपीठ में मां सिद्धिदात्री की
विधि विधान से आराधना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवरात्र पूजा में गोरखनाथ मंदिर में आई बच्चियों ने कहा, Thank you.
सुधार करा दी। Thank you.
टोली खा रही है। उन्होंने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो मैंने अपना नाम बताया और फिर उन्होंने पूछा कि पढ़ती हो, तो मैंने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि खुश रहो। कनिष्का श्री अग्रवाल जी, आपको हाथों से भोजन करवाए कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा महाराज जी, हमें अपने हाथों से भोजन करवाए, हमको रोटी परोसे, हमें पानी दिए। क्या क्या खिलाया? लड्डू खिलाया, केला खिलाया, आलू की सब्जी दिया। क्या क्या बातें हुई? हमको महाराज जी ने कहा कि सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है, तो हमने कहा कि हाँ अच्छा है सब कुछ। महाराज जी ने कहा कि खाना अच्छा बना, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, तो मैंने कहा हाँ महाराज जी हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हमने महाराज जी के साथ फोटो खिंचवाया। आस्थानी का तुमने हाथों से भोजन करवाया कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या बात की हुई बात भी हुई है महाराज से? हाँ। क्या कहे महाराज जी? पूछे कि खाना खाई हो, और महाराज जी उठे पैसा भी दिए। पूछे खिलाए। बातें भी हुई हैं। क्या पूछे हैं? क्या बात हुई? नाम पूछ रहे थे। नाम पूछ रहे थे। ये भी पूछे ना, खाना कैसा लगा, कैसा बना है? हाँ। कैसा था? अच्छा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पैसे की तंगी की वजह से किसी भी व्यक्ति के इलाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जो भी प्रार्थना पत्र आए उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी ने यह निर्देश रविवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान दिए। जनता दर्शन में कई फरियादी ऐसे पहुंचे थे जिन्हें खुद या परिजन के इलाज के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की अपेक्षा थी। हिंदू सेवा आश्रम एवं यात्री निवासी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में 500 से अधिक फरियादी महिला पुरुष अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक व्यक्ति के पास जाकर सबकी पीड़ा सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कई मामले ऐसे भी आए थे जिसमें पीड़ित बीमार थे और उन्हें आर्थिक सहायता चाहिए थी। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए। रविवार की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ मठ से बाहर आए तो गुरु गोरखनाथ का पूजन करने के बाद ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ एवं महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद दिया। उसके बाद गौशाला में गौ सेवा की। तकरीबन 7:45 बजे वह हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां 200 से अधिक लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्हें बताया कि यात्री निवास में भी 300 से अधिक लोग हैं। इस पर सीएम यात्री निवास भी पहुंचे, कुर्सियों पर बैठे लोगों के पास जाकर उनकी लिखित शिकायत पर जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया। जनता दर्शन में राजस्व एवं पुलिस संबंधी काफी शिकायतें आई थी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए, जहां जरूरत पड़े पुलिस बल भी साथ लिया जाए। उन्होंने थानों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति अधिकारियों को निर्देशित किया। Thank you.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां पर स्वास्थ्य विभाग के स्टॉलों का अवलोकन एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर बच्चों का अन्न प्राशन भी कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थी को चेक, फाइलेरिया एवं टीवी के रोगियों को किट आदि का भी वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना सरकार का कर्तव्य और हम इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उत्तम आरोग्यता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और स्वस्थ समाज के होने पर ही हम सशक्त उत्तर प्रदेश और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज से प्रारंभ हो रहा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा। आरोग्य मेला में लोगों को निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, निशुल्क जांच व मुफ्त दवाओं के माध्यम से आरोग्यता का उपहार मिलेगा। आरोग्य मेला 2020 में ही शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। एक बार फिर इसका शुभारंभ हो रहा है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को बिना भेदभाव चिकित्सा सेवा का लाभ पहुंचाना है। मेले में सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनने से रह गए हैं, वे बनवाकर इसका लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के सभी संसाधनों से युक्त उच्चकृत अस्पताल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक विकास खंड क्षेत्र में 25 से 30 बेड के बेहतरीन CSC PSC उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ी है। कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाज का एकमात्र केंद्र गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज ही था। वह कभी भी बंद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। वहां ना डॉक्टर पर्याप्त थे और ना ही दवाएं। आज BRD मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छे ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की चिकित्सा की सुविधा के लिए गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। साथ ही साथ देवरिया, सिद्धार्थनगर व बस्ती में नए मेडिकल कॉलेज सेवाएं दे रहे हैं। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम पर अंतर विभागीय समन्वय व सामूहिकता की ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी ताकत के दम पर उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना नियंत्रण का बेहतरीन मॉडल देने में सफल रहा। यही नहीं, अंतर विभागीय समन्वय व टीम वर्क के बल पर 1977 से लेकर 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50,000 मासूमों को असमय काल कवलित करने वाली इंसेफ्लाइटिस पर नकेल कस लिया गया। उन्होंने कहा 40 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस को समाप्त नहीं किया जा सका था। इसके इलाज के लिए संसाधन तक नहीं थे। केंद्र व प्रदेश सरकार ने मिलकर सिर्फ 4 साल में इंसेफ्लाइटिस को मूल रूप से उखाड़ने में सफलता हासिल की। मस्तिष्क ज्वर अब नाम मात्र का है। थोड़ी सी सतर्कता और सामूहिक प्रयास से अगले 1-2 साल में इंसेफ्लाइटिस सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने लोगों को संचारी रोग नियंत्रण अभियान, TB व फाइलेरिया मुक्ति अभियान से भी जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव कहते हैं कि बचाव ही बीमारियों से दूर रहने का सर्वोत्तम उपाय है। यदि बीमारी हो भी गई है तो उसे छुपाने की बजाय समय पर इलाज कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 2030 तक दुनिया को TB मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 2025 का ही लक्ष्य निर्धारित किया है। जन सामान्य TB मरीजों की पहचान और उनके इलाज में अपना योगदान दें। TB मरीजों को सरकार की तरफ से प्रति माह 500 रुपया पोषण भत्ता भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक संवेदनशील सरकार कैसे कार्य करती है, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सभी लोगों ने देखा है। महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स के सेवा भाव व टीम वर्क की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक वैक्सीन की 30 करोड़ डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। फ्री जांच, इलाज व वैक्सीन के साथ डबल इंजन की सरकार ने हर जरूरतमंद को हर माह राशन का डबल डोज भी दिया। यह कार्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह,
महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया सहित जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सहित विभिन्न अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हमें उनके आदर्शों व मानवीय चरित्र से जुड़ने और बिना भेदभाव मानवीय गरिमा, सुरक्षा व सम्मान के कार्य की प्रेरणा प्रदान करता है। सबको न्याय व सबको सम्मान देना सरकार का लक्ष्य है। राम राज्य की इसी परिकल्पना को साकार करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने इस परिकल्पना से आम जनमानस के जुड़ने की अपील की। कन्या पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम के बाल रूप को पालने में झुलाया। गोरखनाथ मंदिर के ओपन एयर थिएटर में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का समारोह सोहर गीतों के बीच आयोजित किया गया था। यहां पहुंचे सीएम योगी ने झूले पर विराजमान प्रभु के बाल रूप की विधि विधान से पूजा की, श्रद्धा भाव से उन्हें पालने में झुलाया और उनसे लोक कल्याण करने की मंगल कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान मंदिर पुराना गोरखपुर के महंत प्रेमदास के ब्रह्मलीन होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ब्रह्मलीन महंत प्रेमदास महाराज के पास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत प्रेमदास का आकस्मिक निधन संत समाज की अपूर्णीय क्षति है। लगभग 4 दशक से अधिक समय तक महंत प्रेमदास ने गोरखपुर में रहकर हनुमान मंदिर के माध्यम से न केवल सनातन धर्म की सेवा की, अपितु आने वाले संतों श्रद्धालुओं को भी उनका सानिध्य लंबे समय तक प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम नवमी की पावन तिथि को वे अपने भौतिक शरीर को छोड़कर श्री राम के परम धाम को प्रस्थान कर गए। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करते हुए महंत प्रेमदास जी के सभी सहयोगियों, संतों और भक्तों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बासंती नवरात्रि व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की पूरे प्रदेश वासियों को दी बधाई व शुभकामना। कहा, भगवान राम के जन्मोत्सव पर पूरे देश में आयोजित हो रहे कार्यक्रम सभी लोग कर रहे हैं प्रतिभाग।
सीएम योगी ने कन्या पूजन कर की मातृ शक्ति की आराधना वासंतिक नवरात्रि की नवमी तिथि को नौ दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं को मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से भोजन परोसकर कन्याओं व बटुकों से करते रहे निरंतर स्नेहिल संवाद। सीएम योगी के जनता दर्शन में पहुंचे 500 से अधिक फरियादी। योगी ने एक एक की सुनी पीड़ा, कहा किसी के भी इलाज में नहीं होगी पैसे की बाधा। अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी प्रार्थना पत्रों पर हो त्वरित कार्यवाही। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का सीएम योगी ने जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया शुभारंभ। कहा हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। सभी लोगों को बिना भेदभाव चिकित्सा सेवा का लाभ पहुंचाना है आरोग्य मेले का उद्देश्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सोहर गीत के बीच प्रभु श्री राम के बाल रूप को झुलाया पालने में। कहा प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हमें उनके आदर्शों व मानवीय चरित्र से जुड़ने और बिना भेदभाव मानवीय गरिमा सुरक्षा व सम्मान के कार्य को करने की प्रदान करता है प्रेरणा। श्री हनुमान मंदिर पुराना गोरखपुर के महंत प्रेमदास जी हुए ब्रह्मलीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना। चुनाव बीतने के साथ ही गोरखपुर में विकास कार्यों पर निगरानी हुई सख्त। पहल कौन करे वेबसाइट पर लोग बता सकते हैं संबंधित अधिकारी को अपनी समस्या, समस्या का किया जाएगा निस्तारण। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने उसके महिला साथी के साथ किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। चौदह अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम के जन जागरूकता के लिए निकाला गया मोटरसाइकिल रैली। लोगों से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल होने की गई अपील। दाऊदपुर स्थित काली मंदिर पर रामनवमी का मनाया गया त्योहार। मुख्य पुजारी ने कहा बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं श्री राम के जन्मोत्सव का त्योहार। और चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि पर रामनवमी के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया विशाल भंडारा। हजारों लोगों को कराया गया भोजन। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव बीतने के साथ ही गोरखपुर में विकास कार्यों पर निगरानी सख्त हो गई है। इसी क्रम में दिन रविवार को गोरखपुर के ई डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह सीवीजी सॉफ्टवेयर संस्था के साथ बैठक करते हुए कहा कि पहल कौन करे एक वेबसाइट है जिस पर लोग अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी को सूचित किया जा सकता है और समस्या को निस्तारण किया जाएगा। इस वेबसाइट को कुछ ही दिन में आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, पर यही का यही रुक जाएगा, वो तो पूरा फ्लो मेंटेन ही नहीं हुआ ना, जबकि होना ये और ऐसे सभी नए नामों के साथ हाईवे पे भी ट्रेवल करते हैं तो बड़ा लेकिन स्लैब के नीचे अभी मलबा पड़ा होगा, वो क्लियर नहीं हुआ होगा। ये आपका अधिकार है, मतलब उस जगह के जो दुकानदार हैं, उस जगह के जो लोग हैं, उनका अधिकार है और पीडब्ल्यूडी या जिस डिपार्टमेंट ने उसको बनाया उनका ये उत्तरदायित्व है, उनका ये कर्तव्य है। आप एक उसमें से वीडियो बनाएं और डीएम साहब को वो कर दें, ट्वीट कर दें, हमें ट्वीट कर दें, जन सुनवाई पे डाल दें, खट से आप दूसरे दिन अगर वो काम शुरू ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए और ज्यादा भी होगा। वो आप अभी जैसे गोरखपुर नोडल ऑफिसर डाल दें या गोरखपुर का कोई भी नंबर आप सर्च करेंगे तो हमारा नंबर खट से मिल जाएगा। तो हमें ऑल ओवर इंडिया से कराता हूँ, सब में मैं अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर डालता हूँ। तो एक अभी चुनाव के समय एक मैसेज वायरल हुआ था, ये भी आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, आपने इधर डाला नहीं, वो लाखों लोगों के पास पहुंच रहा है, लाखों लोगों के पास पहुंच जाता है। आप देखिए कि मैंने उस दिन जब अभी विधानसभा वाला चुनाव हो रहा था, तो लोग जानकार हैं, लोग जानते हैं, लेकिन बस उनको कोई मतलब, और ये भी हो सकता है कि जब 4 महीने 5 महीने हम लोग इस पर काम कर लें तो कोई और ऐसा बंदा फील्ड में आता है जो हमसे बेटर आइडिया लेकर के आ गया। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस हूँ, डिप्टी डीओ हूँ और यहाँ पर जो कोविड के कार्य हैं या बाढ़ के कार्य हैं, आपदा के कार्य हैं, ये सब मेरा उत्तरदायित्व है कि इसके प्रति मैं जवाबदेह रहूँ। आज हम लोग छुट्टी के दिन यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, हमारे साथ सीबीजी सॉफ्टवेयर संस्था के लोग हमारे साथ हैं, जिसमें अमन चौधरी जी, नीरज चौधरी जी, ये दो लोग हैं, इनके साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, पहल कौन करे, ये पहल कौन करे एक हमारी वेबसाइट होगी और इसमें आपका जो उत्तरदायित्व होगा वो ये होगा कि आपको आम दैनिक जीवन में चलते फिरते आपको कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ दिखाई पड़ती है और आपको लगता है कि इसके बारे में संबंधित विभाग को सूचित कर देने से कार्य हो जाएगा, तो हमें केवल आपको जागृत करना है, आपको एक जागरूक नागरिक बनाना है, एक कर्तव्य परायण नागरिक बनाना है। आप सिंपली इस साइट पर जाएंगे, देखेंगे तो और डिटेल आपको इस साइट पर मिल जाएगी। आज इसकी पहली बैठक है और हम इसके बारे में डिटेल आपसे बाद में शेयर करते रहेंगे, धन्यवाद। शाहपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को हत्या के प्रयास के आरोप में महिला साथी के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आवास विकास कॉलोनी शाहपुर पानी टंकी के पास से एक अभियुक्त व उसकी महिला साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जावेद उर्फ छोटू अंसारी पुत्र मजूर अली निवासी जंगल मातादीन ज्ञानपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर, दूसरा उसकी महिला साथी सोना ठाकुर उर्फ यशस्वी सिंह पुत्री श्याम नंद सिंह निवासी इंद्रानगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आपको बता दें कि छोटू अंसारी उर्फ जावेद सोना ठाकुर उर्फ यशस्वी सिंह ने 10 अप्रैल को लगभग 6 बजे के मध्य
एबीएस अस्पताल जेल बाईपास रोड पर जाकर विवाद किया तथा विवाद के बाद छोटू अंसारी उर्फ जावेद ने अपने अवैध पिस्टल से फायरिंग किया, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, रामानुज सिंह यादव, कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव, प्रमोद यादव, चंद्रभान कन्नौजिया, दुर्गेश यादव, महिला कांस्टेबल प्रियंका सिंह शामिल रही। विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के द्वारा 14 अप्रैल को आयोजित होने वाले श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के जन जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि रविवार को गोरखपुर महानगर के सरस्वती विद्या मंदिर में 14 अप्रैल को होने वाले विशाल शोभा यात्रा व महाप्रसाद के कार्यक्रम को भव्य व जन जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में आकर शामिल हों और भगवान राम के भजन को गाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुर्गेश त्रिपाठी, बजरंग दल, गोरक्ष प्रांत। किस तरह का मोटरसाइकिल रैली निकाला गया? आज गोरखपुर महानगर के सरस्वती विद्या मंदिर में आगामी 14 अप्रैल को होने वाले विशाल शोभा यात्रा एवं महाप्रसाद को जन जागरूकता के लिए, उसको सफल और भव्य बनाने के लिए आज बजरंग दल गोरखपुर महानगर द्वारा ये जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, जो यात्रा के विभिन्न मार्गों पर होते हुए वहाँ लोगों को जागरूक करेगी, ताकि बड़ी संख्या में लोग उस यात्रा में आ करके और भगवान राम के गुण को गाएं और बाद में भगवान राम के प्रसाद को ग्रहण करें। रविवार को पूरे जनपद सहित दाऊदपुर स्थित काली मंदिर पर रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवमी तिथि नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इसी के साथ 9 दिनों तक चलने वाले देवी दुर्गा की आराधना का पर्व समाप्त होता है। आपको बता दें, चैत्र नवमी शुक्ल तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं तथा रामनवमी के दिन भगवान राम, माता सीता और राम भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसके संबंध में दाऊदपुर काली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विजय शंकर पांडे ने बताया कि मंदिर पर पूरे 9 दिनों तक भक्तों की भीड़ लगी रही और आज नवरात्रि का नवमी तिथि है, जिसमें भक्त हवन, पूजा तथा हलवा पूरी माता को भोग लगाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में मनोकामना मांगने से पूर्ण होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दाऊदपुर काली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विनय शंकर पांडे ने कहा, हाँ।
हंते विषमया दासो मर्त्वा दोस्ता परमेश्वरी आवाहन मनाजानी नवजागर सुंदरम पूजा चयानामी समता परमेश्वरी आत्मा पुरो नमस्काराम शौर्याम जल्दी गा दीजिए आप अंदर आ जाइए विजय शंकर पांडे। आज जो है चैत्र नवरात्र का जो है नवा दिन है, तो आज जो है हवन पूर्ण आहुति यही सब हुआ है, पूजा पाठ हवन जप तप यही सब हुआ है। माता जी को सायंकाल जो है पूजन होगा, हवन होगा और भीड़ भाड़ रहा है। हाँ भीड़ भाड़ लोग मनोकामना, हाँ अपना अपना मनोकामना जिसका जो है जिस भावना में अपना मांगता है वो माँ उसको पूरा करती है। अच्छा रामनवमी प्रारंभ, हाँ आज भगवान रामनवमी प्रारंभ नहीं हुआ, आज रामनवमी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र रामनवमी के दिन हुआ था। मधुमास नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता मध्य दिवस अति शीत घामा पावन लोक काल विश्रामा। भगवान का जो है ऐसे पर्व में जन्म हुआ है। अयोध्या इत्यादि में बहुत धूमधाम से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया गया हो। चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि पर रामनवमी के दिन रविवार को राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापार समिति के सौजन्य से राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने बताया कि राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति द्वारा लगातार 8 वर्षों से रामनवमी और विजयदशमी को प्रत्येक वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि भंडारे की शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद के रूप में थे तब उनके द्वारा भंडारे का शुभारंभ किया गया था और उन्होंने कहा था कि जो भी आप दान करते हैं उसमें अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। इस भंडारे में 3 से 4 हजार लोगों को भोजन कराया जाता है। इस अवसर पर राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव, प्रचार मंत्री रंजीत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सूरजनाथ गुप्ता, कुंदन निगम, दुर्गेश कश्यप, राजेश निगम, रत्नेश गुप्ता, प्रभु मणिनाथ गुप्ता, दयाशंकर गुप्ता, शशि भूषण सिंह, आकाश गुप्ता, रूपेश कश्यप, केशव वर्मा, आनंद त्रिपाठी, मनीष बरनवाल, रोहित गुप्ता, अंकित गुप्ता सहित कई व्यापारी बंधु उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव और प्रचार मंत्री रंजीत अग्रवाल ने कहा, इधर आ जाइए। आपका हरतम चिंतन Thank you.
रंजीत अग्रवाल, मैं यहाँ का प्रचार मंत्री हूँ राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति का। ये हम लोग हर साल गर्मी के नवरात्र और जाड़े के नवरात्र में भंडारे का आयोजन करते हैं नौवीं और दसवीं के दिन, और इस भंडारे में सभी व्यापारियों को द्वारा सहयोग लेके किया जाता है और बाकी सब कुछ ऊपर वाले के दया से बढ़िया से चलता है। लोगों की व्यवस्था हो जाती है, 3 से 4 हज़ार लोग को हम लोग खिलाते हैं। मेरा नाम विनोद प्रताप गोविंद राव, मैं संयोजक हूँ यहाँ का राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति का। ये हम लोग राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति की तरफ से प्रत्येक वर्ष रामनवमी और विजयदशमी के दिन यहाँ पर हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं, और ये विगत 8 वर्षों से लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं। कोविड काल में कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया था, ये इसको पुनः स्थापित किया गया है, और पहली बार जब इसको हम लोगों ने किया था तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी उस समय हमारे सांसद हुआ करते थे, उनको हमने बुलाया था एज ए चीफ गेस्ट। तो उन्होंने 2-4 लाइनों के संक्षिप्त भाषण में हमको इसका महत्व बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो भी आप दान करते हैं उसमें अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, सारे दान और सारी दान प्रक्रियाओं में। तो उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग हर साल इसका आयोजन अपने सभी राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के सहयोग से करते आ रहे हैं, और उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है, हम लोग आगे भी इसको करते रहेंगे। तो रामनवमी वाले में भंडारा करते हैं कि वो रामनवमी और विजयदशमी दोनों में हम लोग करते हैं भंडारे को, और करीब 2.5 से 3 हज़ार आदमियों का इसमें हम लोग पूरा भोजन कराते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बासंती नवरात्रि व भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की पूरे प्रदेश वासियों को दी बधाई व शुभकामना। कहा, भगवान राम के जन्मोत्सव पर पूरे देश में आयोजित हो रहे कार्यक्रम सभी लोग कर रहे हैं प्रतिभाग। सीएम योगी ने कन्या पूजन कर की मातृ शक्ति की आराधना। वासंतिक नवरात्रि की नौमी तिथि को नौ दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं को मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से भोजन परोसकर कन्याओं व बटुकों से करते रहे निरंतर स्नेहिल संवाद। सीएम योगी के जनता दर्शन में पहुंचे 500 से अधिक फरियादी। योगी ने एक एक की सुनी पीड़ा। कहा, किसी के भी इलाज में नहीं होगी पैसे की बाधा। अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी प्रार्थना पत्रों पर हो त्वरित कार्यवाही। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का सीएम योगी ने जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया शुभारंभ। कहा, हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। सभी लोगों को बिना भेदभाव चिकित्सा सेवा का लाभ पहुंचाना है आरोग्य मेले का उद्देश्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सोहर गीत के बीच प्रभु श्री राम के बाल रूप को झुलाया पालने में। कहा, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हमें उनके आदर्शों व मानवीय चरित्र से जुड़ने और बिना भेदभाव मानवीय गरिमा सुरक्षा व सम्मान के कार्य को करने की प्रदान करता है प्रेरणा। श्री हनुमान मंदिर पुराना गोरखपुर के महंत प्रेमदास जी हुए ब्रह्मलीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना। चुनाव बीतने के साथ ही गोरखपुर में विकास कार्यों पर निगरानी हुई सख्त। पहल कौन करे वेबसाइट पर लोग बता सकते हैं संबंधित अधिकारी को अपनी समस्या। समस्या का किया जाएगा निस्तारण। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। हत्या के
प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने उसके महिला साथी के साथ किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। चौदह अप्रैल को श्रीराम जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम के जन जागरूकता के लिए निकाला गया मोटरसाइकिल रैली। लोगों से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल होने की गई अपील। दाऊदपुर स्थित काली मंदिर पर रामनवमी का मनाया गया त्योहार। मुख्य पुजारी ने कहा, बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं श्री राम के जन्मोत्सव का त्योहार। और चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि पर रामनवमी के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया विशाल भंडारा। हजारों लोगों को कराया गया भोजन। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।